साल में मात्र एक ऐसा समय आता है जहां पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होता है। हंसी ठिठोली के बीच काम कैसे निपट जाता है पता ही नहीं चलता, और अगर किसी भी कारण से परिवार का एक भी सदस्य इसमें मौजूद नहीं हो पाता तो उसकी कमी खलने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के महापर्व छठ की। कोई भी हो, कहीं भी हो, छठ ही वो बहाना बनता है जब माता पिता भाई बहन से मुलाकात हो पाती है। एक दूसरे की फिक्र से लेकर एक दूसरे को चिढ़ाना सब चलता है। हम बिहारी देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अपनी वजहों से अपने परिवार से दूर है, लेकिन छठ के समय हमें हमारी मिट्टी मानो हमें पुकारती हो। माँ की फिक्र, पिता की डांट फिर से सुनने को दिल मजबूर महसूस करने लगता है, और इसे पूरा करने हर बिहारी अपने घर, अपने बिहार वापस आता है। छठ पूरे परिवार के साथ ही मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में काफ़ी मेहनत लगती है। घर के पुरुष जहाँ पूजा की सामग्रियों की लिस्ट तैयार करते हैं, वहीं घर की औरतें घर के काम काज में आराम भूल जाती हैं। दोस्तों, हम बिहारियों में एक बात कॉमन होती है, और वो ये कि नौकरी के कारण या फिर व्यवसाय के कारण घर का कोई ना कोई सदस्य बाहर जरूर रहता है, और ऐसा करना भी है, तभी तो हम अपने टैलेंट से दुनिया को वाकिफ करा पाएंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, छठ में वापस घर जरूर आएंगे। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला दीदारगंज के गंगा घाटों पे। परिवार के सदस्य भले नौकरी के लिए बाहर रह रहे हों, लेकिन छठ में वे अपने घर वालों के पास कैसे भी पहुंच जाते हैं। व्रतियों को अपने परिवार को एक साथ देखकर अलग हिम्मत मिलती है, जो उन्हें छठ पर्व को सफल बनाने में मदद करता है। ये छठ महापर्व इसलिए है क्योंकि ये पूरे परिवार को एक जगह जोड़ता है। टीम बिहार प्लस आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएगा कि कैसे परिवार परिवार की तरह दिखता है जब छठी मैया हमें अपने शरण में ले लेती हैं। दारगंज फतुहा से बिहार प्लस की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।